दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव अपने अंतिम फेज में आ पहुंचा है और ठीक इसके पहले प्रचार थम चुका है। नेता जो करना था वो कर चुके हैं, अब जनता की बारी है। ऐसे में जनता का मिजाज एक बार और टटोलने के लिए हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के उसी दशाश्वमेध घाट पर, जहां की आरती न केवल बनारस पूरे देश बल्कि पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान रखती है और गंगा धर्म आस्था का केंद्र, यहाँ का गंगा घाट और यहाँ का जो सनातन तस्वीर है वो पूरे विश्व में प्रदर्शित करती है। लोकसभा चुनाव में प्रचार थम जाने के बाद काशी की जनता का क्या मिजाज है, क्योंकि 2 महीने यहाँ पूरी रसाकसी रही और आदर्श आचार संहिता के दौरान तमाम नेता यहाँ आए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, चाहे वो प्रधानमंत्री से ले कर तमाम यूपी के सीएम और अलग अलग स्टेट के सीएम से, पूरा बनारस एक अलग ही राजनीतिक माहौल से गुजरा है। इसके बाद जो नेताओं को करना था वो कर चुके हैं, अब यहाँ की जनता की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र ही है, जनता ने अब क्या मूड बनाया है? जनता का मूड तो बहुत पहले से बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सा रोचक बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जीत तो यहाँ सुनिश्चित थी और सारे बनारसवासी इस चीज़ को लेकर के बहुत पहले से ही मन बना लिए थे कि हमको प्रधानमंत्री जी को दोबारा चुनाव जिताना है यहाँ पे है। ये नेताओं का आना जाना तो एक अपना प्रचार माध्यम था, लेकिन बनारस की जनता ये पहले से ही मान चुकी थी कि मोदी जी को बनारस से फिर जिताना है, क्योंकि मोदी जी ने जो बनारस में काम किया है वह शायद ही कई सदियों तक कोई प्रधानमंत्री कर पाए या किया हो। इसलिए हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी को बहुत पहले से प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और बनारस की जनता उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में देख चुकी है, यहाँ पे कोई इसमें संशय नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर बनारस से जीते और फिर भारत के प्रधानमंत्री हों और फिर बनारस का विकास हो। इसके लिए हम माँ गंगा, माँ विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जी से, संकट मोचन बाबा संकट मोचन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री फिर से हों। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही आस्था का केंद्र है। गंगा आरती यहाँ पे कई दशकों से होती चली आ रही है और न केवल बनारस पूरे देश और पूरे विश्व में जानी जाती है। आप यहाँ के अध्यक्ष सुशांत हैं, तो ये बताइए कि इस 2 महीने के दौरान कितने नेता यहाँ आए गए हैं, गंगा आरती में शरीक हुए हैं? देखिए, इधर जब से चुनावी माहौल है तब से, अभी तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो था 25 तारीख को, तो उस दिन जो उनका रोड शो था उसका समापन यहीं पे हुआ था और ये तीसरी बार था कि जब वो दशाश्वमेध घाट पे आके गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आरती में सम्मिलित हुए थे, माँ गंगा का पूजा अर्चना की थी और उसके बाद से लगातार बराबर यहाँ पे मंत्री जी लोगों का आवागमन लगा हुआ है यहाँ पे। एक रोजाना जो दैनिक आरती होती है उसमें और जो कोई वीआईपी मूवमेंट होता है उस दौरान कितनी ज़्यादा इंतजामात करने पड़ते हैं, क्या ज़्यादा खास ध्यान देना पड़ता है, तैयारियाँ होती हैं जो इन 2 महीनों में आप लोगों को काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ा होगा? देखिए, जब 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था यहाँ पे तो उस दिन विशेष रूप से सजावट हुई थी। उससे पहले भी जब वो 2014 में जब चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए थे उस समय भी दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया था। उसके बाद जब वो आए थे जापान के प्रधानमंत्री माननीय शिंजो आबे जी को लेकर, जब उनका काशी आगमन हुआ था, गंगा आरती देखने आए थे, उस समय भी फिर भव्य रूप से दशाश्वमेध घाट को सजाया गया रहा। और जैसे विशेष अवसर जो पड़ते हैं
जैसे कि गंगा दशहरा, देव दीपावली महोत्सव, महाशिवरात्रि पर्व, तो ये सब पर्वों पे भी दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से दीपक से और फूलों से सजाया जाता है। इसी गंगा आरती के प्रबंधक हमारे साथ हैं। ये दो महीने बनारस किन यूं कहें एकादशी हो गई है, जब से प्रधानमंत्री अपने सांसद यहाँ से प्रधानमंत्री हुए हैं, कि इन दो महीनों के दौरान क्या ज़्यादा और आप लोगों को दिक्कत का या इस तरह की ज़्यादा तैयारियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दिक्कत का कोई होता नहीं हम लोगों को, और तैयारियां अगर हमारे यहाँ कोई वीआईपी आते हैं तो हम लोग तैयारी करके रखते हैं पहले से। तैयारियां हम लोग हमेशा दो महीना से, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बनारस में, तो जितने भी गेस्ट, अभी भी कुछ मंत्री लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, तो जो आते हैं हमारे यहाँ वीआईपी, हमारे पास व्यवस्थाएँ रहती हैं। आप यहीं के वोटर हैं, क्या अब मूड है, अब क्या मिजाज है? चुनाव प्रचार थम गया है, उनको जो करना था वो कर चुके हैं, जनता का क्या मूड मिजाज है? देखिए, हम राजनीति पे कोई बात नहीं करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ सभी राजनेता आते हैं, तो हमारा वोट जिसको देना है हम दे देंगे, हम राजनीति पे आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, जनता जो वोट का अधिकार है वो गोपनीय होना चाहिए। आप बताइए, बनारस में इन दो महीनों के दौरान जब से प्रचार हुआ है तब से लेके अब तक में प्रचार थम गया है, क्या आप कहना चाहेंगे? इसी की जब से यहाँ पे वीआईपी आए थे बनारस, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जितना रोड शो हुआ उसमें जितना आम जनता परेशान हुई उसमें यहाँ के लोग, जैसे अभी प्रियंका गांधी जी का रोड शो था, माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, आदमी को बीएचयू जाना हो, तो बहुत सी दिक्कतें यहाँ सामना करना पड़ा है भारत, यहाँ काशीवासियों को। क्या लगता है कि जो तमाम नेता आ रहे हैं, इनका कहना है कि ये जो तमाम नेता जो आ रहे हैं उनको क्या यहाँ पे आने से आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना? दिक्कत का सामना करना पड़ता ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव है, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन बाकी उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता दिमाग में बैठा चुकी है, सेट कर चुकी है, बस 23 तारीख को एक औपचारिकता बाकी है, बस देश एक ही मांग रहा है, वो 23 तारीख को एक औपचारिकता में क्लियर हो जाएगा। आप लोग गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, क्या दिक्कत होती है अगर नेता आते हैं जाते हैं घर से निकलने में, या पहले से पता रहता होगा, क्या कहेंगे? हमें कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि उनकी एक औपचारिकता होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मोदी जी जब भी आते हैं हम एक्साइटेड होकर उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और फिर से उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। अब बताइए, दो महीने का वक्त जो नेताओं को करना था वो कर चुके हैं, अब जनता क्या करने वाली है? जनता क्या कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट देगी कि क्या करेगी? देखिए, जनता बनारस की जो है अपना मत बना के पहले से बैठ चुकी है। रही बात कि यहाँ पर नेताओं लोगों का आना और जाना, ये तो बैर लगा रहेगा। ये लोकतंत्र का महापर्व जो है, 5 साल में जो सबसे महापर्व सबसे बड़ा है, वो अभी को शुरू हुआ है, जो 19 तारीख को हमारे यहाँ होगा। इस कारण से जो लोग आते हैं वो आते रहेंगे, लेकिन जो जनता का काम है वो मन बना के बैठी हुई है, इसमें किसी को परेशानी ऐसी तो हमें नहीं लगता है कि होनी चाहिए। हाँ, वैसे ये है कि हम लोगों ने जो दो महीने झेले हैं, आज जाके हम लोग वाराणसी में गंगा आरती देखने आए हैं और अच्छा लग रहा है, हम लोग को बढ़िया लग रहा है। दो महीने का वक्त बीता है और लोग आरती देखने आए हैं, आप शायद बाहर से हैं, बनारस के नहीं हैं, तो ये आरती देखने और चुनाव के दौरान, चुनाव या खत्म होने के कगार पे है यहाँ आना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ जो माहौल है वही माहौल हमारे पास भी था, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक जो माहौल है वही माहौल हमारे पास ही था। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र सोलापुर। तो बनारस में कैसा लग रहा है आपको? यहाँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वो इस बार फिर से यहाँ चुनाव मैदान में भी हैं, कैसा लग रहा है आपको बनारस? अच्छा लग रहा है, जो माहौल इसने वहाँ इतना डेवलपमेंट किया है, बहुत कुछ जो हमारे पास भी होना चाहिए ऐसा हमें लग रहा है। इधर का पानी, बिजली, सड़क, बहुत कुछ मतलब पहले से ही बहुत अच्छा हुआ है काम है। हमारे साथ और भी यहाँ स्थानीय मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं जनता क्या मूड बनाई है। प्रचार खत्म हो गया है, अब बारी आप लोग के, आप लोग की है, अब आप लोग को वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बनारस की जनता भूलने वाली नहीं है विकास पुरुष को, वो मूड पूरा बना चुकी है कि हमारे नरेंद्र मोदी सांसद जी को ही वोट देना है। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। बनारस क्या करने आए? हम घूमने आए गंगा मैया के दर्शन करने। कैसा लगा बनारस आके, यहाँ से प्रधानमंत्री फिर से चुनाव मैदान में भी? हम यही चाहेंगे कि दोबारा प्रधानमंत्री बने देश के श्री नरेंद्र मोदी, और हमें ये बढ़िया लगा कि उत्तर प्रदेश में सभी शहरों में विकास चल रहा है, ये ओनली फॉर बीजेपी की सरकार में संभव हुआ है, अन्यथा किसी सरकार में संभव नहीं हुआ है। कांग्रेस भी राज कर चुकी है पहले उत्तर प्रदेश में, सपा भी कर चुकी, बसपा भी कर चुकी, पर इतना विकास किसी सरकार ने नहीं किया जितना बीजेपी ने किया, और शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रही है बीजेपी, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ स्थानीय के अलावा काफी बाहर से भी लोग आए हैं, घूमने आए हैं, इनसे बात करते हैं,
बनारस पहले भी आप आते रहे होंगे और अब आए हैं, क्या बदला है और क्या बदलने की ज़रूरत है? चूँकि सर मैं बनारस का नहीं हूँ, बलिया जिला का हूँ, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मैं यहाँ पर आया था, बट इतना काम इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट नहीं की थी। बनारस में बहुत कुछ ये चेंजेस किए हैं माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी, और हमको लगता है कि बनारस की जनता इनको फुल सपोर्ट करेगी, और यहाँ से माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। यहाँ से प्रचार थम चुका है और लोग यहाँ काफी रिलैक्स मूड में हैं, गंगा आरती देखने आए हैं, सबका ये कहना है। आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं सिराथू से आया हुआ हूँ, डिप्टी सीएम के क्षेत्र से, और बनारस आके मुझे काफी कुछ देखने के लिए मिला। साफ सफाई, जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दिया है, वहाँ यह बनारस में देखने के लिए मिल रहा है मुझे। यहाँ मैं इस समय बनारस के गंगा घाट पे हूँ, गंगा आरती देख के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये बताइए कि प्रचार तो थम चुका है, तो किस तरह आप अब आराम से सड़कों पे निकल सकते हैं और ये गंगा आरती का लुत्फ ले रहे हैं? नहीं, प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि अब वोट देना है सिर्फ, और कोई बात तो है नहीं है। सड़कों पे जो भीड़ भाड़ था वो कम हो गया है, लोगों का आना जाना अब आराम से हो जा रहा है। जो नेताओं का बार बार आना, प्रियंका जी का और किसी और नेताओं का आना जाना था, उससे लोगों को थोड़ा ट्रैफिक समस्या, पूरा बनारस शहर में जाम लग जाता था, बनारस छोटा शहर है, उससे थोड़ा सा अब राहत मिलेगा और लोग अब बनारस को एंजॉय करेंगे। अब बनारस के गंगा आरती, बनारस के घाट और बनारसपन जो था वो थोड़ा रुक गया था 2 महीने से, अब वो बनारसपन फिर शुरू होगा। अब ये बनारस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होगी। बनारस का मतलब ये जो रंग बनारस का है वो बना रहे, और कहीं ना कहीं ये 2 महीने जो नेताओं का यहाँ दौरा हुआ करता रहा चुनाव के दौरान, सभी जोर आजमाइश में थे कि जो बनारस के वोटर हैं, अलग अलग प्रत्याशी, वो उन वोटरों को अपने पक्ष में करें। कहीं ना कहीं ये जो बनारस का रंग था धूमिल होता जा रहा था, लोग अपने समय निकाल के खुद के लिए नहीं आ पा रहे थे, गंगा आरती में नहीं शरीक हो पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में लोगों से बात करने के बाद यही पता चल पाया है कि एक बार फिर बनारस की जनता मूड बना चुकी है 19 तारीख को वोट करने का, और अपने पुराने रंग में रंग चुकी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।